मोल पहचान डाकू धर्म आ गया बनकर तेरा। हर डाकू धर्म आ गया बनकर तेरा। अरे भगोड़े भाग कर जाएगा कहाँ, तेरी कहाँ कहाँ नहीं तलाश किया लेकिन तू हवेली के अंदर आ गया। हे रंजीत। हाँ बाबा। सारा गुड़ गोबर हो गया रे। ऐसे? अरे मैं से नहीं लड़ सकता। क्या नहीं लड़ सकते यार? अबे मैं नहीं लड़ सकता बाबा। अरे ये लोहे का इंसान है बे। अगर लड़ नहीं सकते हो तो पर जादू चलाओ। अबे जादू भी नहीं चला सकते। क्या नहीं चला सकते यार? अरे मैंने माँ काली की कसम खा ली है, अगर मैं जादू चलाता तो माँ काली मेरे कुछ भस्म कर देगी बे। बाबा कसम जाए भाड़ में, इसको मारो यार। अबे तू नहीं मार सकता है क्या? तुमको राजा बनना है तो इसको। अबे तेरे को राजा नहीं बनना है क्या? ए धर्मा ये मत समझ कि मैं उस समय पीठ दिखा करके भागा था। नौ तू शायद मेरे को नहीं जानता है कि इस धरती पे मेरे को मारने वाला कोई नहीं है। नौ तूने तलवार उठाया, कोई प्रभाव कोई इंप्रेस मेरे बॉडी पे हुआ? नौ तूने अपने गन को चलाया, मेरे बॉडी को कोई इंप्रेस हुआ कोई प्रभाव पड़ा? नौ नहीं नहीं, मुझे मारने वाला इस धरती पे कोई है ही नहीं। मैंने माँ काली की उपासना किया, मैं काली का परम भक्त हूँ। प्रत्यक्ष रूप से माँ काली ने आकर के मेरे को दर्शन दिया, बोले बेटा बोल क्या चाहिए तेरे को। मैंने कहा माँ मैं मरना नहीं चाहता हूँ। उसने कहा बेटे ये वरदान तो मैं नहीं दे सकती, लिहाजा मैं तेरे को मैं त्रिशूल दे रही हूँ और ये त्रिशूल तू अपने साथ में रख, और जब तक तेरे हाथ में त्रिशूल रहेगी तब तक तेरी मौत नहीं हो सकती है। अब तू ही बता कि जब त्रिशूल मेरे हाथ में है तो तू मेरा क्या करेगा? अरे तू तो ये भी नहीं जानता है कि मेरी जान कहाँ है, क्योंकि मैंने ये भेद आज तक किसी से बताया ही नहीं। मुझे छेदे धर्मा, मुझे छेदे मुझे बेधे नहीं शमशीर में सकती, और मुझे जकड़े मुझे पकड़े नहीं जंजीर में सकती। नहीं सकती है वायु में मुझे ऊपर उठाने की, और नहीं सकती तेरी कलाई में मुझे नीचे दबाने की, जलाने की दबाने की। नहीं है आग में शक्ति धर्मा और मुझे डसकर चला जाए, कहाँ है नाग में शक्ति। अरे ओ कल्याणी मल, मैं तो समझा था कि तू विद्वान है। अरे विद्वान हूँ मैं। नहीं तू विद्वान नहीं, तू मूर्ख है। तेरे दिमाग में बुद्धि नहीं बल्कि कचरा है, कचरा। अबे तू कैसे बोलता है, जब त्रिशूल मेरे हाथ में है तो तू मेरा कौन सा बाल और कहाँ का बाल उखाड़ेगा? कल्याणी मल, अच्छा हुआ जो इतनी आसानी से तू अपने मौत का पता बता दिया कि मेरी मौत इसी त्रिशूल से होनी है। चल नहीं तो राजा देख मैं परेशान हो जाता, तेरी मौत नहीं होती। अब देख कि अब तेरे साथ क्या करता हूँ। रंजीत अबे होशियार रहना, अबे चुप होशियार रहना, अगर कहीं गड़बड़ नजर आए तो तू भी जुड़ जाना साथ में। ओके चला। अरे वो बिलायती मुर्गी। अबे मेरे को मुर्गी बोलता है। कान खोल कर सुन, आज वो मौत दूंगा। कौन सी मौत? कि आज के बाद अंडा देना बंद करेगी। अंडा वो मौत तुझे दूंगा। अबे मैं मुर्गी हूँ अंडा देने वाली, मेरे को अंडा देने वाली मुर्गी है। चला जा, आजा देख लेता हूँ मैं तेरे को, आजा। तेरा पैर है या की अंगद का पैर है?
में। बच गए क्या? देखता हूँ। देखो यार। मैंने कहा था नहीं कि मेरे को कुछ होने वाला नहीं है, देख लिया ना? अरे मेरी मौत हो ही नहीं सकती है, मैं मरने वालों में से नहीं हूँ। मैं मर नहीं सकता। जय माँ काली की। मैं मर नहीं सकता। माँ काली मंदिर में बैठी तमाशा देख रही है और आज आज ये तेरा भक्त नारियों पर जुल्म उठा रहा है। अगर इसी तरह की ये करता रहा तो नाम बदनाम तेरा होगा और आज के बाद ये तेरे चौखट पर कोई नहीं आएगा, तेरा नाम अपनी जुबान पर कोई नहीं लाएगा। अबे तू क्यों बड़बड़ा रहा है? तेरा हार्ट अटैक हो जाएगा, तेरा हार्ट में कैंसर हो जाएगा। तू तो अच्छी तरह जानता है कि काली का मैं परम भक्त हूँ। काली की आराधना करना, उपासना करना, उसके नाम की तपस्या करना, जो भी होता तो मैं करता हूँ। तो फिर काली मेरी सुनेगी, अबे तेरी सुनेगी? माँ काली, माँ काली, ये तेरा भक्त नारियों पर जुल्म उठा रहा है, नारियों पर। रंजीत, अबे इसने त्रिशूल उसी जगह मारा है जहाँ पर हमारी जान थी। अरे इसे मालूम कैसे पड़ गया कि हमारी जान वहीं पर स्थित है? अबे ब्लड तो नहीं निकल रहा और ये पूरा का पूरा शॉर्ट का अंदर चला गया था। अबे लगता है मेन होल में चला गया था भैया। साथियों, एक कल्याणी मल की लाश को घसीट कर बाहर फेंक दो। धर्मा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये मेरी प्रिय कमला यहाँ? ओए धर्मा, अगर इसकी जिंदगी चाहता है तो हथियार नीचे डाल दे। रंजीत सिंह, मेरी कमला को छोड़ दे और मैं ये शमशीर डाल रहा हूँ। साथियों, कोई गोली नहीं चलाना, अब मेरी प्रिय कमला को छोड़ दे। धर्मा, छोड़ दूंगा, लेकिन ये बोल कि तेरी प्रिय कैसे लगती है? तू है कौन जो सकल छुपा रखा है? बोल धर्मा, बोल कौन है? रंजीत सिंह, तू जानना चाहता है? आहा, मैं जानना चाहता हूँ। कौन हूँ? कौन है? पहचान, आंखें खोल कर कि मैं कौन हूँ। कौन? पहचान। क्यों रे कुत्ते, तूने तो अगर जरा भी होशियारी की तो खोपड़ी काट कर जमीन में डाल दूंगा। क्यों रे,
उस दिन तो तूने कहा था कि बलबीर सिंह को मैंने मिटा दिया है, तो ये कहां से जिंदा बच गया रे? आहे बरसते में फूका है जलबै नहीं भा। हराम चादे, तुझे हर वक्त बारिश ही नजर आती है। अरे जिस चाल को आज तक ये रंजीत सिंह चलता आया है, वही चाल को तू मेरे साथ चल रहा है। आज चबा ओए, अगर जरा भी इस जारी की साले डाल दूंगा, इस पार से उस पार निकल जाएगी। आज तो ये उस दिन बच गया, लेकिन आज ये नहीं बचेगा, और इसके साथ साथ तू भी कुत्ते नहीं बचेगा। तुम सबों की मौत किस तरह ये रंजीत सिंह करता है। हराम चादे, मरने के लिए तैयार हो जाओ कुत्ता। और बस खबरदार मंत्री जी, रुक जाइए, बस खबर नहीं, इससे पहले ही तू वरना मिट जाएगा, चूक सकता हमारा निशाना नहीं। रंजीत सिंह, अगर जरा से चलाकी करने की कोशिश किया तो मेरे रिवॉल्वर की गोली तेरे भेजे को क्रॉस कर जाएगी। साथियों, रंजीत सिंह को पकड़ लो और महाराज को आजाद कर दो। बलबीर सिंह महाराज, ये लड़का कौन है जो आकर के ऐसे वक्त पे हम लोगों की जान को बचाया है? ये कौन है? महाराज, आप जानना चाहते हैं कि ये लड़का कौन है? हाँ, ये लड़का ये कौन कोई है? कोई और नहीं, ये मेरा बेटा दीप सिंह है। नहीं, ये तो सब जिंदा है रे। तुमका मिलवाने खास जिंदा। कौनो नहीं मरे यार। इसका मतलब बलबीर सिंह तुम्हारा बेटा दीप, वो जिंदा है? हाँ महाराज, बेटा। हाँ पापा। बेटा, तेरी माँ जिंदा है? मेरी माँ जिंदा है? हाँ बेटा। कहाँ है बाबूजी मेरी माँ? तेरी माँ वो सामने है। माँ! प्रिय कमला, आंखें खोलो और तुम खौफ अपने दिलो दिमाग से हटा कर देखो, तुम्हारा बेटा दीप तुम्हारे सामने खड़ा है। माँ, मेरी तरफ देखिए, मुझे पहचानने की कोशिश कीजिए। क्या बात है? मैं तुम्हारा तुम्हारा बेटा। माँ, बेटा दीप, तुम्हारी माँ कुछ नहीं बोलेगी। लेकिन क्यों हुजूर? वो इसलिए कि बाबा कल्याणी मल ने तुम्हारी माँ को पागल बना दिया है। मेरी प्रिय कमला पागल है? अफसोस, कल्याणी मल दुनिया में जिंदा नहीं। अब दूसरा कोई ऐसा शख्स नहीं जो मेरी प्रिय कमला को ठीक कर सके। याद आया बेटे दीप सिंह, बहुत पहले जब मैं तेरी माँ को लेकर माँ काली के मंदिर पर दर्शन के लिए गया था, तो बाबा कल्याणी मल ने तुझे माला दिया था और माले की खूबी को बताया था कि ये माला इतना शक्तिशाली है कि अगर पागल इंसान के गले में डाल दिया जाएगा तो उसका पागलपन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा बेटा। और वो माला
तेरे गले में है, माँ काली का नाम लेकर अपनी माँ के गले में डाल दो, शायद माँ काली की कृपा से तुम्हारी माँ की याददाश्त वापस आ जाए। माँ काली, जैसे कि आज तक आपने मुझे हर मुसीबत से बचाया है, उसी तरह माँ मेरी माँ की खोई हुई याददाश्त वापस लौटा दो, हमारी खुशियां मुझे वापस लौटा दो, माँ वापस लौटा दो। जय माँ काली की। प्रिय माँ, प्रिय कमला माँ, माँ बेटा, प्रिय कमला मेरी तरफ देखो, प्रिय मेरी तरफ देखो, प्रिय प्रिय कमला, ये तूने क्या किया? जब रंजीत सिंह मुझ पर खंजर चलाया तो वो खंजर अपने सीने पर क्यों रोक लिया? अपनी जान देकर मेरी जान को बचा लिया। स्वामी जी, मेरा मर जाना ही अच्छा है, क्योंकि इस कमीनी रंजीत सिंह ने मेरी अस्मत लूटकर मुझे किसी काबिल नहीं छोड़ा। प्रहलाद, मेरा मर जाना ही अच्छा। प्रिय, तुम मेरे लिए गंगा की तरह पवित्र हो। प्रिय, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि इस कमीने ने मेरी इज्जत लूट कर बर्बाद कर दिया। मैं आपके काबिल नहीं रही। प्रहलाद, मुझसे वादा करो कि आज आखिरी बात मरते मरते आप मेरी ख्वाहिश पूरी करेंगे। क्या ख्वाहिश है प्रिय? प्रहलाद, आप मेरे बेटे दीप को हमेशा खुशहाल रखेंगे, इसे कभी कोई तकलीफ नहीं देंगे। प्रिय, मैं वचन दे रहा हूँ कि मैं अपने जान की बाजी लगाकर तुम्हारे बेटे की जान की रक्षा करूंगा। बेटा दीप, बेटा, आखिरी बार मेरे गले से लग जा बेटा। बेटा नहीं माँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा मैया, मैं तुम्हारा इलाज। प्रिय माँ, प्रिय बलवीर सिंह, इसने तुम्हारी दुनिया उजाड़ दिया है, लेकिन ये तुम्हारे बेटे दीप के साथ ये कौन लड़की है जो आई है, ये कौन है? महाराज, ये लड़की कौन है? कोई और नहीं, ये आपकी बेटी राजकुमारी दीक्षा है। क्या हमारी बेटी राजकुमारी दीक्षा है? जिसके खून के इल्जाम में हमें जेल भेजा गया था, ये बाबा कल्याणी मल के पास थी। बेटी, बेटी, महाराज, आपकी बेटी नहीं बोलेगी। लेकिन लेकिन बलबीर सिंह, हमारी बेटी क्यों नहीं बोलेगी? महाराज, बाबा कल्याणी मल आपकी बेटी को सता रहा था, उसी वक्त मैं पहुंचा, आपकी बेटी की जान को व इज्जत को तो बचा लिया, लेकिन वो एक अबला को लेकर भगा, लेकिन हमें ये नहीं मालूम था कि वो अबला कोई और नहीं, मेरी प्रिय कमला थी। और आपकी बेटी के सर पे जादू का असर डालकर वहां से भाग निकला। महाराज, इसके आपकी बेटी के सर पर जादू का असर है, ये आपकी बेटी नहीं भूलेगी। बलबीर सिंह, याद है आज भी मुझे वो दिन, एक दिन जब
तुम्हारी बेटी बीमार थी तो तुमने मुझसे कहा था हम सब लोग अपनी बेटी को लेकर के बाबा कल्याणी भड़ के पास गया था। बाबा कल्याणी में ने हमारी बेटी को ठीक किया था तो उसी वक्त मैंने कहा कि बाबा जी आप कोई ऐसा उपाय कर दीजिए कि जिससे कि दोबारा हमारी बेटी के पास कोई जादू कोई टोना कोई शय हमारी बेटी की बदन को छू न सके। तो बाबा कल्याणी मल ने एक अंगूठी दिया था और यही कहा था कि जब तक यह अंगूठी राजकुमारी के हाथ में रहेगी तब तक कोई जादू टोना इसे छू नहीं सकता। तो फिर हमारी बेटी के ऊपर जादू कैसे असर कर गया? महाराज कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अंगूठी बाबा कल्याणी मल के हाथ लग गई हो इसीलिए राजकुमारी के ऊपर जादू का असर हुआ? मैं अभी देख रहा हूं। नहीं! क्या हुआ महाराज? बलबीर सिंह अब वो अंगूठी हमारे बेटे के हाथ में नहीं है। अफसोस महाराज जब वो अंगूठी आपकी बेटी के हाथ में नहीं है तो अंगूठी बाबा कल्याणी मल के हाथ लग गई। आपकी बेटी कभी ठीक नहीं होगी, कभी ठीक नहीं होगी। बलबीर सिंह जब मेरी बेटी कभी ठीक नहीं होगी तो संसार में जीने से मेरे क्या फायदा है? मैं अपने आप को मौत को गले से लगा लूंगा। मैं चिंता नहीं हुजूर। जिस वक्त मैं हमें भरे रात दरबार से जल्लाद घसीट कर ले जा रहा था उसी वक्त राजकुमारी जी आकर चीख चीख कर ये कह रही थी कि दीप निर्दोष है, लेकिन राजकुमारी जी की बात को नहीं सुना गया। उसी वक्त राजकुमारी जी ने मेरे हाथ में एक अंगूठी पहनाया था। क्या? हाँ बाबूजी। वो अंगूठी कहाँ है बेटे? बाबूजी ये रही वो अंगूठी। हाँ बेटे ये तो वही अंगूठी है जो बाबा कल्याणी मल ने राजकुमारी को दिया था। तो इसका मतलब किसी अंगूठी के जरिए तू जल्लाद के हाथों से बच गया, नहीं जल्लाद के हाथों से मारा जाता। बेटा हमें उसी वक्त एहसास हुआ जब हमारे और तेरे बीच जंग हुई थी। तू जमीन में गिर गया था उसी वक्त तेरे सीने पर खंजर मारना चाहा लेकिन मेरा बदन कांप उठा था, मेरे कदम पीछे हट गए थे। हमें उसी वक्त एहसास हुआ कि इस बच्चे के ऊपर कोई देवी शक्ति है। बेटा आज इसी अंगूठी के जरिए तुम बच गए। बेटा ये अंगूठी राजकुमारी के हाथ में डाल दो, माँ काली का नाम लेकर डाल दो। बलबीर सिंह महाराज हमारी बेटी माँ काली की कृपा से ठीक हो गई, लेकिन आज आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए महाराज। बलबीर सिंह तुम जानते हो कि हमारी बेटी को बाबा कल्याणी में उठा करके ले गया है और लोग हमारे बेटी के प्रति तरह तरह की उंगलियां उठाएंगे। हम यही चाहते हैं कि तुम्हारा बेटा दीप सिंह है हमारी बेटी को अपना ले। हम अपने बेटी का विवाह तुम्हारे बेटे के साथ रचाना चाहते हैं। महाराज रिश्ता होता है बराबरी का, छोटे और बड़े का नहीं। हमारे और आपके बीच बहुत बड़ा फर्क है। ये
रिश्ता मैं कैसे कबूल कर सकता हूँ? बलबीर सिंह, हमारी नजरों में मेरे बहादुर तुम सब कुछ हो। अगर हमें खुशहाल हमें जिंदा देखना चाहते हो तो मेरी बेटी को अपना बहुत स्वीकार करो। महाराज, आप आपकी इज्जत बचाने के लिए, इस हवेली की शान शौकत को बचाने के लिए मैं ये रिश्ता कबूल कर रहा हूँ, आपकी बेटी को अपनी बहू स्वीकार कर रहा हूँ। आओ बेटा दीप सिंह, जाओ ये रिश्ता कबूल करो। बेटा दीप सिंह, वो मेरा ताज लेकर आओ। आइए बेटा दीप सिंह, ये मेरे सर का ताज है और इसी ताज के साए में हमारी गरीब प्रजा अपनी जिंदगी को गुजारती है। बेटा, आज मैं अपने आसाम मुल्क का सम्राट मैं तुम्हें बना रहा हूं। हमेशा हमारी प्रजा का ख्याल रखना बेटा। ये रंजीत सिंह की हरकत से बाज नहीं आता। रंजीत, राम जाने, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मार चलूंगा साले। नहीं बेटा, नहीं, इसे छोड़ दो, इसे। नहीं पिताजी, इसने मेरी माँ को मेरी नजरों के समक्ष मारा है और तुम्हें भी मारने की कोशिश की, मैं इसे नहीं। नहीं बेटा, इसे छोड़ दो, ये मेरा शिकार है, तुम्हारा नहीं, छोड़ दो इसे। रंजीत सिंह, तू अपनी हरकत से बाज नहीं आता। पहले इसके जिस्म से ये सारे कपड़े उतार लो। लो सारे महामंत्री रंडी बुजरी छिनाक। रंजीत सिंह, अब तुम रंडी नए साले बखलंडी सिंह हो गए। चलो उतारो, ये आगे भैया। बेटा दीप सिंह, इसके जिस्म पर इतने कोड़े बरसाओ कि इसका बदन बलबीर सिंह छलनी हो जाए। देखो बलबीर सिंह, मैंने वाकई में बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मेरी गलती माफ हो सकती है। नहीं, तूने मेरी दुनिया उजाड़ी, मेरे परिवार के लिए तूने क्या क्या नहीं किया, और मैं तुझे माफ कर दूंगा? नहीं, मैं इस राज रियासत को छोड़कर भी चला जाऊंगा। लेकिन तुम कहीं नहीं जाओगे। रंजीत, तुमने मेरी माँ को मारा है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बेटा, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जाओ जाओ बच्चा, आराम करो। सिपाही, चल रहा हूँ। चल रहे हो, कहाँ मिली हो? वही कहाँ, जौन काटे हो को बताओ कहाँ मिली? उलवारी बगिया में। कौन है बगिया में? वही कप्तान के पुरवा। हुआ ना जाओ सारे, हुआ हुआ। अरे माई हो साला, मरत मरत सिपाही। हाँ, हमेशा इसके साथ रहते थे, इसीलिए जाते जाते तुम्हें भी अपने साथ लेकर गया है। हाँ,
सिपाही हाँ, तुम इस दुनिया से तो जा ही रहे हो हाँ, इस शमशीर को मुझे निकाल लेने दो। हाँ मतलब हम मर जाए या तलवार तुम्हार लोहे के न जाए हैं। सिपाही हाँ, अगर ये शमशीर रात दरबार में मौजूद रहेगी हाँ, तो इसी तरह कातिलों का कत्ल करने में फिर काम आएगी। सही है, ये लोहा न जाए हम मर गए समझो कुकू राय मर गए। सिपाही हे भैया एक परिहार यार बहुत नीक लागे छे यार। अच्छा लगता है। हाँ भैया पूरी शमशीर जिस्म के अंदर है हाँ, और फिर भी कहता है कि अच्छा लगता है। पता नहीं कहे नीक लागे छे यार, बहुत प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लागे छे यार, बहुत नीक लगता है। सेंटर से आउट न करो फिर नहीं नीक लागे तो इसे निकाल लेने। हाँ निकालो भैया। क्या हो गया था? वही तो हम सोचा था इनके साला घुसा है पिराज का है नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है? कि ये शमशीर दोनों जांग के बीच की निकल गया हो। वही बात है भैया, अगर साइड पकड़ लेता तो क्या होता? अगर साइड पकड़ लेता ना ये कही चाहो भाजी, अगर साइड पकड़ लेता तो उसका तो यही बता सके का हाल हो भैया। बेटा मैं चल रहा हूँ। कहाँ? और वैसे एक बात है, मने वाकई में कहा जी कहो साथे एहसान न करे चाहिए भैया, इनके साथे जान पर खेला आज ये हमका पहचान वो है भाई। सिपाही इसीलिए तेरी जान को बख्श दिया, एहसान भूला नहीं हूँ। हाउ का तलवार पूरी गुजरे छूबो नहीं भाव क्या छीन ले चो। मेरा बेटा तेरी मदद के लिए गया था। अरे वो तो बेचारा वफादार है लेकिन तुम्हारे साथ तुमका जेल में न छोड़ी भाई, तो आज जिंदा ना रहते पूरी तलवार अंदर रही तई की सुई के नौके भराई लेते तो आराम हो जाए। तुम कहना क्या चाहते हो? कहना यह चाहते है कि वादा किए हो तो वादा निभाना पड़ेगा। मंत्री रंजीत सिंह वो हमारा जो तलवार रोहिणिया वाला कब्जिया है उसको दिलाना पड़ेगा। सिपाही मैं चल रहा हूँ, इसके बारे में मैं बात करूंगा, तुम्हारा हर तौर मैं मदद करूंगा, तुम घबराओ नहीं। सिपाही आज पिताजी को तुमने फांसी दिया क्यों? फांसी का भैया यार वो तलवना हमारे आए जौन मंत्रिया साला लेली वही मछली मारत हैं परे रहिन भाई। कौन सा वो रोहनिया वाला? हाँ यार अब जाए जी हल्ला मछली मारब भाई। कहाँ पर जाओगे? हल्ला वही घोरवारा के बगल में भट्टा मालिक के जौन है ना भट्टा। अच्छा अच्छा वो एक बात है। क्या? मशीन बढ़िया पाए अभी भी मशीन का कहे? अब तो भौजी हो गए। अरे ये तुम्हारी मालकिन हुई? हाँ ये मालकिन हो गई है। चलो फिर गरम गरम गुजिया बनाओ खाओ जाओ। अच्छा किया गुजिया के। हाँ भैया दो दो दिन बाद होली आने वाली है गुजिया खाओ जाओ। और सफल भुवाग है उन्हीं का जीवन जो तेरे चरणों में आ गए।